सलाम मैम साहब। ग्यारह लीटर पेट्रोल। ग्यारह लीटर? गंगाराम चलो पेट्रोल डालो। ये लो चाबी। माय बाप, हमने कभी कसूर किया ही नहीं आपकी दुआ से। शट अप! क्या बात है बताओ? बात ये है कि एक आदमी जा रहा था, हमारे पास सिर्फ बेड़ी थी, माचिस नहीं थी आपकी दुआ से। हाँ, और माचिस के लिए मैंने उसकी जेब में हाथ डाला और उसने जेब के तरह समझकर हाथ पकड़ लिया आपकी दुआ से और हवादार ने हमें यहाँ लिया। देखो लल्लू। हुजूर, ये लल्लू नहीं है, लल्लू तो मैं हूँ आपकी दुआ से। मैं पंजू। अच्छा लल्लू पंजू, आइंदा ऐसा मत करना, नहीं तो नहीं तो हुजूर आपका जूता और इसका सर आपकी दुआ से। मेरा मतलब हम दोनों का आपकी दुआ से। और हुजूर, हम अभी बाहर निकलते ही जाके अपना माचिस कर देते हैं। हाँ, और अगर माचिस नहीं मिली तो किसी से मांग लेंगे। मगर माचिस के लिए किसी के जेब में हाथ नहीं डालेंगे। शट अप, जाओ। मेरे बारे में सुना, छोड़ भी निकल करनी। यस, इंस्पेक्टर शर्मा इज स्पीकिंग। अच्छा, थैंक यू, very good, very good, thank you very much. Good morning, hotel Mombasa please. Yes, reception room number 5. Okay, yes. Hello, hotel Mombasa. Yes, Mr. Kapoor. Yes, Kapoor is here. The room you want please? Who? Mr. Desai, hold on please, hold on. Yes, ye lo card. Theek raat ke 10 baje is pate par pahunch jana. और हाँ, चौकीदार से पूछना, अगर चौकीदार जवाब दे मुझे कुछ नहीं मालूम तो फौरन इस कार्ड को फाड़ के फेंक देना। माल तुम्हें मिल जाएगा, जो सीधे बॉस के पास पहुंचा देना, समझे? जी। लेकिन बोलना, अरे भैया, यहाँ कोई जोगीलाल भोगीलाल रहता है? अरे वरी बाबा, इधर कोई जोगीलाल भोगीलाल नहीं रहता है। अरे पता तो यहीं का दिया था, ये देखो। अरे यहाँ कोई नहीं रहता है। मल्लाओ, जोगीलाल भोगीलाल के बच्चे को छोड़, चल। अरे पापा, तुम्हारी बात तो सुनो। क्या बात? अरे चौकीलाल, था? अरे सब लोगों को गैरेज दिखाओ। ये लो चाबी, ये रही गाड़ी, इसने भी चेक कर लो। ठीक है। मेरे मखमूर निगाह
इश्क वाले तो हसीनों का कहा करते वरना हम लोग भला किसे वफा करते भाई का गाना सुनने आए तुम्हारा नाच नहीं तनिक हमारा भी देख ले बोल अच्छे तुमने उसे मारा हाँ मारा क्यों बताऊं तुम्हारा छोड़ देते इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो चलो भाई साहब आप इंस्पेक्टर कुंदन शुक्रिया आपकी वजह से हमारा खास मुजरिम पकड़ा गया जी 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 बच गए मैंने उस्ताद जी हाँ जी निकालो इनको बाहर चलिए मैं तुमसे कह रही हूँ आप बैठिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए मिस्टर जीवन इस तरह अगर हर शहरी पुलिस की मदद करता रहे तो इस देश के दुश्मनों का जल्द सफाया हो जाए हाँ क्यों नहीं रात के 11 बजे उसके फ्लैट में जाकर उसको वहीं खत्म कर दो ताकि किसी को आइंदा पुलिस तक जाने की जरूरत ना हो ओके बॉस
give me 243451. 243451. अभी देती हूँ. Is it clear? खूनी तक पहुंचने के लिए यह मालूम करना जरूरी है कि फोन किसने किया. You are right. लेकिन उन दो बदमाशों का क्या हुआ जो लॉकअप में थे? उन दोनों ने कल रात खुदकुशी कर ली. तब तो यह भी उम्मीद जाती रही. कोई क्लू है? कुछ खास नहीं. चलो मुन्ना. मगर ये फोटो एक आदमी की जेब से मिला. लोफर, शर्म नहीं आती मेरे पीछे करते हुए? मैडम, मैं तो ऐसे जा रहा हूं. लड़कियों से पीछे करता है. शर्म बहुत अच्छे. इसका मतलब ये है कि हुजूर मेरा नहीं किसी और का पीछा कर रहे थे. हाँ, लेकिन रीता, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा मैं पीछा कर रहा हूं तो तुम रुकने के बजाय यहां क्यों चली आई? एक बेवफा से अकेले में मिलने के लिए. लेकिन हुजूर, आपने क्या समझकर मेरा पीछा किया? मैं तुम्हारे लिबास से धोखा खा गया, वरना मुझे इस लड़की की तलाश थी. लीजिए, पसीना पूछिए. इस लड़की के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं. इसका नाम सोना है और मेरे अंकल के होटल में मंसर है. थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन रीता. पुलिस वाले किसके? इंफॉर्मेशन मिली? ओहो, आई एम ऑन ड्यूटी. ऑन ड्यूटी और आफ्टर दिस ब्यूटी? रीता प्लीज, मुझे किसी की तलाश है, किसी को ढूंढना है. ढूंढे ना मिलेगा, ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा. ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा. छलियों से भागे जो वो भोरा कैसा. ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा. ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा. छलियों से भागे जो वो भोरा कैसा. ढूंढे ना मिलेगा.
तरसो तरसे ना हम और तुम भी नहीं तरसो तरसे ना हम और तुम भी नहीं तरसो ढूंढे ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा खलियों से भागे जो मुबारक कैसा ढूंढे ना मिलेगा दिलदार तुम्हें ऐसा ढूंढे ना मिलेगा. Good morning. Could I have a suite, please? जी हाँ, please. Boy, साहब को 20 नंबर में ले जाओ. Thank you. You're welcome. Salam, sir. Salam. Thank you, sir. सुनो. इस होटल में जाम सेशन होता है? होता है साहब, लेकिन आप तो इस होटल के कमरे में जाम हो चुके. क्या मतलब? मतलब साफ है साहब, दोनों तरफ दो छोकरी और आप बीच में जाम. कौन सी छोकरियां? इधर वाले को तो नहीं जानता साहब, नया है. इधर वाले को जानता है, इस होटल का पुराना डांसर. अच्छा, देखो ये तो नहीं. हाँ बिल्कुल ये साहब, आप तो बहुत चौपरस्तर निकला साहब. ये फोटो दिखाकर हमको आप भी जाम कर दिया ना? कर दिया साहब. ये लो. अब तो बिल्कुल कर दिया साहब. सिक्के पहलवान थे ना आपके, आपके जाते ही भाग गए. क्या? हाँ, दरअसल बात ये है मैडम, कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि जो तुम्हारे हाथों की लकीरें हैं ना, ये लकीरें ये इसमें वो तुम्हारी हो जाएगी. अगर मेहरबानी हो तो. ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं देखिए जवान हूँ. छोड़ दो. देखिए मैं सूट भी पहने हुआ हूँ. फोन तो फिर भी आते रहेंगे. कल मिलेंगे. 27 मरीन लाइन्स बे. अभी आज बिस्किट बिस्किट बिस्किट. मैंने सुना है. क्या? बिस्किट यानी सोना. सोना सोने की बिस्किट. शाम को जाएंगे. बिल्डिंग तो यही है. हाँ बिल्डिंग तो यही है. तो फिर भगवान का नाम लेके घुस चलो अंदर. क्या बात है? क्या हुआ? बात कुछ नहीं है, यहाँ अब रात है. देखो यहाँ चांदमल और सूरजमल कहाँ रहते हैं? अरे बड़ी, कोई ये चांदमल सूरजमल नहीं रहता है. अरे कैसे नहीं रहता है? और अगर नहीं रहता है तो चटनी के इस पे लिखा क्यों है? हमको मालूम नहीं. मालूम नहीं मंजू? चांदमल सूरजमल की तो ऐसी तैसी. चलो. अरे अरे बड़ी बात को सुनो. अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बड़ी, तुम चांदमल के बेटे सूरजमल की बात करता है? अरे नहीं तो क्या बड़ी, हम किसी लड़की की बात करता है. अरे 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 बड़ी, वो इसका गैरेंडर है. अरे गोरखा साहब, लोगों को गैरेंट दिखाओ. जरा तुम्हारा इधर करो. तंबूरा तंबूरा हटा. तंबूरा तंबूरा.
ये लो चाबी, ये रही गाड़ी। गाड़ी की चेक कर लो। कमाल, आदमी का पता पूछा और गाड़ी दिखा रहा है। शायद वो डिग्री में होगा। आपकी दुआ से। जल्दी करो। बिल्कुल जल्दी लो। आओ। चलो। क्या बात है? दुर्गा साहब, आपने जगह अच्छा बताया। मंगू मारे गए आपकी दुआ से। जरा होशियार करो काम। खून देना पड़ेगा। हम तुम्हारा खून पिलाएंगे। हमारा खून पिलाएगा। खून है हमारा, वो पानी है। लल्लू पंजू मासी के लिए जेब में हाथ डाला, ये कार्ड मिल गया और कार्ड के पते पे पहुंचे तो आपकी दुआ से माल मिला। इतने में गुंडे आ गए। फिर हुजूर बहुत मारपीट हुई, बहुत मारपीट हुई। अब पुलिस भी आ गई। गुंडे भागे हुजूर, गुंडे भागे। और हुजूर फिर हमें यहाँ लाया गया। हुजूर हम दोनों की शराब को आपकी दुआ से। सुनो अगर तुम्हें फिक्र ये बदमाश मिल जाए जिसकी जेब से तुम्हें कार्ड मिला है तो फौरन साहब को रिपोर्ट करना। हम फौरन रिपोर्ट करेंगे। हम लोग जा सकते हैं? तशरीफ ले जाइए। सुनो, सुनाइए। देखो आइंदा किसी की जेब में माचिस के लिए मत हाथ डालना। नहीं हुजूर, कभी नहीं। हम जाते ही माचिस खरीद लेंगे। ये लो लाइटर, माचिस भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या सोच रहे हो? जेब में हाथ डालने का नया बहाना? क्यों? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लाइए लाइए लाइए। चलो माचिस का झगड़ा ही खत्म हुआ आपकी दुआ से। अब हम जाएं आपकी दुआ से। आउट आउट आउट। जीवन की इंफॉर्मेशन से स्मगलर्स का माल पकड़ा गया और उसके बाद ही जीवन का मर्डर हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों का माल पकड़ा गया उन्हीं लोगों ने जीवन का मर्डर किया और सोना उसी गैंग की मेंबर। मगर इसका लीडर कौन? भाई साहब सोना होटल मुंबासा में रहती है और उसके मालिक हैं मिस्टर सिंह। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो अच्छा खासे शरीफ आदमी। जो देखने में ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं असल में वो गुंडे होते हैं। ये तो आज बिल्कुल नई बात मालूम। आप क्यों चौंक गए भाभी? आपके पति देव देखने में शरीफ नहीं बल्कि गुंडा मालूम होते हैं। जनाब अली, ये मुझे नहीं आपकी सूरत देखकर चौंकी। हेलो हेलो रीता, हाँ मैं कुंदन बोल रहा हूँ। ओह कुंदन, हाउ स्वीट ऑफ यू।
आज तुमने ऐन मौके पे फोन किया। डाले आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। बराबर से जामे जामे थैंक यू। मेरे कमरे में गिर पड़ा था। जी हाँ, मैं आपसे मिलने वहां गई थी। लेकिन आप मिले नहीं। आपने मुझे मेरे सूटकेस में। जी हाँ, और आप मुझे सूटकेस में मिल भी गए। एक फोटो की शक्ल जिसे आपने वहीं छोड़ दिया। शायद आपको पसंद नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप। फोटो तो मुझे इतना पसंद आया कि उसे हमने अपने दिल में उतार लिया। और मुझे ज्योतिषी की बात सच निकली ना। ये क्या कर रहे हो, लाइए मेरा ये रिंग। नहीं 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 नहीं, ये जहां से गिरा है बस वहीं लगेगा। That's it. अंकल, इतने सारे रुपए? नहीं अंकल, आपको इतने रुपए होटल में साथ नहीं रखने चाहिए। बेटी, एक फैक्ट्री खरीदनी थी इसलिए बैंक से निकलवाए, लेकिन सौदा नहीं हुआ। तुम दिल्ली घूमे? जी हाँ। खाना खाया? हाँ। जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ओ अंकल, मैं बाहर का दरवाजा खुला छोड़ आई, प्लीज बंद कर दीजिएगा। ओके। लाइए मैं ले लेता। कौन है अंकल? बोल। पैसे भी नहीं। टैक्सी। बम्बई के रहने वाले हैं, अभी अभी मेरे अंकल को गुंडे पकड़ के अपनी गाड़ी में ले गए। ओ, तो इसमें कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी हाजिर है, आइए। थैंक यू। डोंट वरी मैडम। पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, शॉर्ट कौन है रे मंगू? नमस्ते, मेरा नाम रीता है माजी। बम्बई की रहने वाली हूँ, एक बदमाश के चुंगल में फंस गई थी, मैं छुआ कर यहाँ ले आया। रात को यहीं रहेगी, वो अपने होटल चली जाएगी। अच्छी बचाना दादाजी नहीं होती माजी। सुना है तुम्हारे बम्बई में भी बड़े बड़े दादा हैं? हैं,
मैं जब कभी बंबई आऊंगा तो उन दादाओं को भी देख लूंगा कि कितने गहरे पानी में है बेटे। जरूर आना, मैं अपना पता दूंगी। मेरे अंकल वहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा बेटे, आज तू बाहर बिस्तर बिछा के सो जा, हम दोनों अंदर सो जाते हैं। चलो बेटी, चलो चलो। कुछ पता लगा इंस्पेक्टर? कुछ समझ में नहीं आता, गई तो कहाँ गई? घबराइए नहीं, मिल जाएगी। अंकल। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? जब कुछ गुंडे आपको ले जा रहे थे तो मैं आपको बचाने निकली और खुद एक गुंडे के हाथ में फंस गई। वो तो अच्छा हुआ, एक देहाती मंगू ने मेरी इज्जत बचा ली। इज्जत? मंगू? हाँ। सुना आपने अपने आदमियों की तारीफ? गुंडे नजर आते। ये कौन है अंकल? आप हैं मिस्टर खन्ना, दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी, मेरे पार्टनर और मेरे दोस्त। नमस्ते। बिल्ली की तरह पीछा कर और मैं खबर करता हूँ, कुत्ते की तरह भाग के यार, कुत्ते की तरह। चौकीदारी पर छोड़ के आया हूँ ताकि वो कबूतर उड़ न जाए। अरे मोती नहीं, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी कपड़े बदल के। अच्छी बात। अरे मोती नहीं, अरे मोती फट गई सारी। मोती मोती मोती। एक दूसरे को नहीं पहचानते जी? मेरा मतलब है हम दोनों एक ही बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं और फिर भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। ओ यू मीन येलो बिस्किट? जी हाँ, आज ही कुछ माल किनारे पर लगा है, अगर देखने का इरादा हो तो वक्त और जगह बताऊँ। साहब आपका टेलीफोन। टेलीफोन? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो, I'm gonna go get some more.
सकेंगे ना हम तुम कभी, देख ले अभी से जाते हो मेरा दिल तड़पा के कहा अभी से कहां जाने मन जल्दी इश्क की आंच से रूह मात ले अभी से कहां जाने मन चल दिए इश्क की आंच से रूह गरमा ले अब बुझा ले जरा अपने दिल की लगीर की लगी अबे ले ले ये है बंबई ये ले आठ आने पांच रुपए पड़ेंगे पांच रुपए इतने से सामान की पांच रुपया बेवकूफ बनाता है ये बम्बे है बम्बे माँ जी अरे छोड़ हट यहाँ से छोड़ मेरा हाथ अबे भाग बे देखिए ना इतने से सामान की पांच रुपया मांगता है लाओ मुझे तो ए लंबू तुम कौन है हट बे लंबू नहीं मेरा नाम मंगू है ले भाग माँ जी आप बैठिए बेटी बैठो अब्दुल भाई क्या बात है मुझे इस पते पे जाना है ओ सिंह साहब कोठी नंबर 135 इधर ये बंगला तो बिल्कुल नजदीक है टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है आइए मेरे साथ चलिए छोगरा हाँ और देर अच्छा दादा अरे अब्दुल अरे उस्ताद ये ऊंट कहाँ से पकड़ लाए क्यों भाई ये कौन से चिड़ियाघर की चिड़िया है मैं चिड़िया हूँ क्या क्या मैं ऊंट दिखाई देता हूँ दादा इसने हमसे दादागिरी की है हमारे शंकर को हमारा स्टेशन पर अच्छा बेटा तो तुम भी इन्हीं में से एक हो क्यों बे जानता है मैं कौन हूँ इस सारे एरिया का दादा और मैं कौन हूँ जानते हो दादाओं का दादा मंगू दादा मंगू दादा अबे मुंह क्या देखता है उठ आओ चाकू आओ आओ देख रहे हैं ये
दिल्ली में इन्होंने मुझे उस बदमाश से बचाया था। नमस्ते। ओह नमस्ते, मुझे दिल्ली में आपका शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। रीटा लीजिए, रोमा भी आ गई। आई एम सॉरी रीटा, मैं लेट हो गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रीटा। आप बताती हूँ बेबी जी, आपकी खरी इनके लिए चाय बिस्कुट कुछ ले आओ। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ पानी का एक गिलास मंगा दीजिए। कहीं इंस्पेक्टर शर्मा तो मंगू नहीं बन रहा? हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा देयर? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। ओह थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ रीटा। अंकल। हाँ। मंगू की जिम्मेदारी अब आप। बेफिक्र रहो। अच्छा मैं चलूँ? जा बैठ। चलो चलो बैठो मंगू, बैठ। तुम्हारा सामान कहाँ है? जी मेरा सामान। तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है, मैं कुछ गुंडों में गिर गया, किसी बात पर मारा मारी हुई। एक गुंडे ने मुझ पर चाकू से हमला किया, मैंने अपना बचाव किया, लेकिन इस बचाव करने में उन्हीं का एक दादा मारा गया। पुलिस मुझे खूनी समझकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। और तुम बचकर यहाँ चले आए? जी। और तुम्हारा सामान वहीं रह गया जहाँ दादा का खून हुआ था? जी। लेकिन तुम्हारे सामान का वहाँ रह जाना अच्छा नहीं हुआ। पुलिस इसी सबूत पर तुम्हें खूनी करार करने की कोशिश करेगी। लेकिन खून तो मैंने नहीं किया। घबराने की कोई बात नहीं मंगू, तुमने मेरे बेटे की इज्जत बचाई है, तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। जी, मैं आपका ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात है, जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। पुलिस तुम तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगी। मुझे मंजूर है। और मेरे साथ मंगू तुम यही ठहरो। इतना घूर घूर क्या देख रहे हो? ये इंस्पेक्टर शर्मा नहीं मंगू है, दिल्ली का रहने वाला, लेकिन हम इसे इंस्पेक्टर शर्मा बनाएंगे और ये आज यही रहेगा और तुम्हारे चार्ज में। ओके बस। सैयद मियां जी, इनका दाया कल्ला दरअ छाड़ दो। ये छाड़ दिया। वाह 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 वाह, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट। अबे ले इल्ले, मेरी सूरत तो बिल्कुल इससे मिल रही है। अब तुम्हें पुलिस के सिपाहियों से देखकर कोई डरने की जरूरत नहीं। क्यों? पुलिस वाले तुम्हें देखकर सलाम करेंगे। मगर किस लिए? इसलिए पुलिस वाले तुम्हें समझेंगे ये पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा है। तो क्या ये किसी पुलिस इंस्पेक्टर की तस्वीर है? बिल्कुल। तो फिर तुम ये चाहते हो कि मैं अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर जाहिर करूं? नहीं, भगवान ने तुम्हें वो शक्ल दी है, अगर तुम चाहो तो पुलिस ऑफिसर बन जाओ या मंगू। मगर साहब मैं तो मंगू। मंगू? लेकिन कौन से मंगू? जिसके हाथ से खून हुआ, जो पुलिस के हाथ पड़ जाए तो सीधा फांसी का तख्ता। अगर हमारा कहना मानो तो पुलिस तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते और हम तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना रहे हैं। मैं और पुलिस ऑफिसर? अभी ले ले। मैं और पुलिस ऑफिसर। हेलो। यस प्लीज। के तलवार। रूम सर्विस। साधुराम। श्याम। श्याम सुंदर। श्यामलाल। मगन भाई। सिंह साहब। हेलो। 243451। सिंह साहब। 243451। 3rd June। यस सर। हो वेरी सॉरी, लाइन इज बिजी सर। एक्सक्यूज मी। यस। ये नंबर दीजिए मुझे। ओके
ओके सर। थैंक यू। रमा। यस सर। आप बहुत जल्दी जा रही हो। सर बात यह है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओ, ये मैं गया। थैंक यू सर। थैंक यू। लेक पॉइंट में मिली है फौरन सीआईडी ऑफिसर कुंदन। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमने 3 तारीख की रात को 243451 ये नंबर नहीं घुमाया? नहीं। तुमने टेलीफोन पर गोली की आवाज नहीं सुनी? नहीं। 3 तारीख को रात को 11 बजे तुम कहाँ थी? जी अपने घर पर। तुम अगर अपने घर पर थी तो फिर तुम्हारी टेलीफोन बुक में तुम्हारी हैंडराइटिंग में ये नंबर और टाइम किसने लिखा? जी जी, झूठ बोलकर तुम उस हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकती मिस रोमा। तुम्हारे उस इनकार का मतलब साफ है कि तुम भी उस खून की साजिश में शामिल थी। इस जबान को समझने वाला तो कोई और। कौन है? टेलीफोन ऑपरेटर। जासूसी का? जो खुद जासूस हो उसकी जासूसी क्या? रूठ गई। जितनी हसीन हो तुम है उतनी बेवफा हो, फिर भी मेरे लिए तुम, फिर भी मेरे लिए तुम। मैं क्या बताऊं क्या हो, जितनी हसीन हो तुम। तुमको सजा रखा है पलकों की चिलमनों में, तुम सांस ले रही हो इस दिल की धड़कनों में। इतनी करीब होकर, इतनी करीब होकर, फिर क्यों जुदा जुदा हो, जितनी हसीन हो तुम। मुझको सिवा तुम्हारे कुछ पता नहीं है, दुनिया में है तो क्या है, दुनिया में क्या नहीं है। बदगुमा हो तुम फिर भी बदगुमा हो, नाराज हो खफा हो, जितनी हसीन हो तुम। इतनी आप हमने दादे वफा न पाई, अपने लिए तुम्हारी
कोई अदा न पाई, लगता है यूं के मुझसे, लगता है यूं के मुझसे रूठा मेरा खुदा हो। जितनी हसीन हो तुम उतनी ही बेवफा हो, फिर भी मेरे लिए तुम, फिर भी मेरे लिए तुम, मैं क्या बताऊं क्या हो। जितनी हसीन हो तुम उतनी ही बेवफा हो, जितनी हसीन हो तुम उतनी ही बेवफा हो। मॉर्निंग सर, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं आपका रिकॉर्ड जी शौक से, ये लीजिए। मुझे टेलीफोन का रजिस्टर दिखाओ। टेलीफोन ऑपरेटर हो? जी हाँ। तो ये 3 तारीख का पेज इसमें से कहां गया? जी ये मुझे नहीं मालूम। क्या बकते हो, तुम टेलीफोन ऑपरेटर होकर भी ये नहीं जानते कि ये पेज कहां गया? साहब एक लेडी टेलीफोन ऑपरेटर और है, रोमा, कभी वो हैंडल करती है, कभी मैं हैंडल करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, क्या बात है, आज किसी खास मुजरिम की तलाश है? जी हाँ, वो खास मुलजिम मेरी पकड़ में आने से पहले ही अपना काम करके निकल गया। जी जी हाँ, आपके इस टेलीफोन के रजिस्टर से 3 तारीख का पेज कहाँ गायब हो गया, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, चूंकि आप इस होटल के प्रोप्राइटर हैं। प्रोप्राइटर की सो लाइटली मिस्टर सिंह, ये खून का केस है, इसमें आपको कोऑपरेट करना चाहिए। ये तो सब आदमियों का फर्ज है, आज हमारी टेलीफोन ऑपरेटर नहीं, वो जैसे ही आएगी मैं उससे इस पेज के मुतालिक पूछकर आपको खास अहमियत नहीं देते, कोई भी आदमी इसमें कागज वागज फाड़ सकता है। जी हाँ, मुझे भी उसी कागज वागज फाड़ने वाले की तलाश है। ये आपका फटा हुआ रजिस्टर। एनी न्यूज? नो न्यूज। होटल के रजिस्टर से 3 जून और अपने घर से जीवन को टेलीफोन कराया था। इन हालात में हम मिस्टर सिंह के खिलाफ कोई सबूत न होते हुए ऐसे कार्रवाई कर सकते हैं? डोंट वरी, आदमी सबूत भी मिल जाएगा। आगा भाई, रीटा मैम सब घर में हैं? ओ कुंदन, क्या हम भाई है या क्या मौजूद? कौन है रीटा? ओ आपसे तो मिल चुका हूँ, कहिए कैसे आना हुआ? जी वो तो रखिए। थैंक यू सर। देख लीजिए अंकल, इन्हें तो बू आ जाती है।
डायरी मुझे दो। पहुंच गया था बस, दो हाथ जमाने पड़े। कुंदन कोई बात नहीं, 3 जून सिंह साहब ने एक नंबर मांगा फिर गोली की आवाज आई। क्या है अंकल? कुछ जरूरी कागजात थे। अंकल ये कौन है? अपना ही आदमी है, तुम यहाँ कैसे आई? आपका फोन है, दिल्ली से मिस्टर खन्ना आए हैं। तुम जा सकते हो। लेकिन उस नंबर पर फोन कैसे आया? यस सर। ओह मिस्टर शर्मा, रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलर अपना तमाम माल जू बीच पर उतारने में कामयाब हो गए हैं। अब वो इस माल को शहर में पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन सर, इसलिए जू से शहर को आने वाले तमाम रास्तों पर सख्त निगरानी रखी जाए, हर गाड़ी की तलाशी ली जाए। वेरी वेल सर। माल बहुत ज्यादा है, बी केयरफुल। ऑलराइट सर। यस। हेलो मिस्टर सिंह। लखना नथु, एक गिलास और लाना। नहीं मैं तुमको नहीं पीता। पार्टनर तुम तो जानते ही हो कि पीने के मामले में दिन और रात मेरे लिए बराबर के होते हैं। एक बात पूछूं, वो तो तुम मुझे उस होटल से उठवा कर जहां ले आए हो, वजह क्या है? अभी मालूम हो जाता है। हैंड्स अप। नो मोमेंट। कमबख्त, तो तू इसलिए मुझे यहां लाया था? शट अप। इंस्पेक्टर साहब, इस कमबख्त ने मुझे फंसाया है, अब मैं भी इसे फंसा कर रहूंगा। आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर मेरा बयान लीजिए। बहुत खूब। अगर मेरा पार्टनर धोखा खा सकता है सेठ, तो पुलिस भी खा सकती है। क्या मतलब? खन्ना, ये इंस्पेक्टर शर्मा नहीं, उनके हम शक्ल मंगू है। ये तो ड्रामा हमने उनके टेस्ट लिए किया था। मंगू वेरी गुड, अब तो अंग्रेजी अच्छी बोलने लगे। ये सब शेट्टी उस्ताद की मेहरबानी है। अरे तुमने तो मुझे सचमुच डरा दिया था। अबे ले ले शेट्टी, ये डर गए। अच्छा पार्टनर, अब बताओ प्लान क्या है? हमें खबर मिली है कि चेक नाके पर इंस्पेक्टर शर्मा की ड्यूटी लगी है। मंगू शर्मा बन के जाएगा और हमारा माल निकल आएगा। जी बात है कुछ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चेटी मंगू समझाओ, इनकार करके खून के इल्जाम में गिरफ्तार होना चाहते हो? लेकिन खून मैंने तो नहीं किया। पुलिस की नजरों में तुम ही खूनी हो। दादा के तमाम आदमियों ने यही बयान दिया है कि खून तुमने किया है। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि पुलिस तुम्हारी तलाश में रह रही थी। दादा के आदमियों ने पुलिस वालों को ये भी बता दिया कि दिल्ली से तुम मुझसे मिलने आए थे। चेटी समझाओ। यस बस। पापे जवाब नहीं दे रहा। आई नो। मर गया।
रहा है वो बुढ़ा सज धज के जब तू निकले मचल मचल मेरा दिल मचले चमक चमक कर जब तू चले मेरी जान निकले मेरी जान निकले सज धज के जब तू निकले मचल मचल मेरा दिल मचले चमक चमक कर जब तू चले मेरी जान निकले मेरी जान निकले जैसा महक बदन रस की भरी हर बात वाह वाह गुलशन जैसा महक बदन रस की भरी हर बात दिल पे मरहम रखते हैं तेरे फूल से हाथ तेरे फूल से हाथ तन से तेरे चांदी पिघले मेरी जान निकले मेरी जान निकले सज धज के जब तू निकले मचल मचल मेरा दिल मचले चमक चमक कर जब तू चले मेरी जान निकले मेरी जान निकले लकीर हाय चीर गई मेरे दिल को ये काजल की लकीर नैनों के काजल से तू लिख दे मेरी तकदीर लिख दे मेरी तकदीर रूप तेरा जैसे दीप जले जान निकले सज धज के जब तू निकले मचल मचल मेरा दिल मचले माफ कीजिएगा मां जी अगर बाहर आ गए नहीं ऐसी कोई बात नहीं अच्छा अच्छा चेकिंग भी है अरे बड़ा आया चेकिंग का देखिए ना सुबह चेकिंग दोपहर चेकिंग शाम को चेकिंग अरे बैठिए आप हम आपसे माफी चाहते हैं ऐसी कोई बात नहीं जी लेकिन आपने तो कहा था हर गाड़ी को चेक करो मैंने कहा ना इसे जाने दो शर्मा ये सब कहते हैं कि आपके कहने से इन्होंने गाड़ी को जाने दिया तो फिर मैं आप अकेले की बात को कैसे सच मान लूं साहब आपने बजा फरमाया लेकिन साहब ने मुझे जो कुछ कहना था कह दिया आपके पुराने रिकॉर्ड का ख्याल रखते हुए मैं इस दफे कोई एक्शन नहीं ले आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए आप जा सकते हैं हेलो सर क्या बात है कुछ मायूस नजर आ रहे हैं मुझे इंस्पेक्टर शर्मा से ऐसी उम्मीद न थी क्या हुआ आज उसने स्मगलर्स की गाड़ी को चेक नाका से पास होने दिया मुझे क्यों मेरा पूरा स्टाफ गलत नहीं हो सकता ये उनकी आंखों देखी बात है मुझे दिल्ली में मिला था दिल्ली में मिला था अब अंकल के पास है अरे बिल्कुल गंवार था अंकल इसकी काया ही पलट दी
रीटा, ये तुम्हारे दिल्ली वाले मंगू की नहीं, इंस्पेक्टर शर्मा की तस्वीर है। आज सुबह से कोई नहीं मिला जो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? अरे अरे अरे, कहाँ चले? क्या बात है? सुन सकोगे? जरूर सुनेंगे, भगवान ने तो कान सुनने को तो दिए हैं। तो सुनो, तुम्हारे अंकल एक बहुत बड़े क्रिमिनल, वो दिल्ली वाले मंगू को इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं, अपने स्मगलिंग के बिजनेस में उससे काम देते हैं। ये सब झूठ है। रोमा को भी तुम्हारे अंकल ने गायब किया। कुंदन, तुम पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं हूँ रीता, याद करो कल जब तुम रोमा की डायरी की बातें कर रही थी, तुम्हारे अंकल उठ कर चले गए, जाकर उन्होंने अपने आदमी को टेलीफोन किया और कहा कि तुम रोमा के घर चले जाओ और जाकर उसकी डायरी हासिल करो। वो आदमी उनके घर चला गया और इधर तुम्हारे अंकल तुम्हारी शादी की बातों में बिजी रखा। नहीं, जब मैं यहाँ से रोमा के घर पहुँचा तो वो आदमी डायरी लेकर निकल रहा था। मैंने उसे डायरी छीनने की कोशिश की लेकिन वो मुझे बेहोश करके भाग गया। कौन था वो आदमी? नाम तो मैं उसका नहीं जानता लेकिन उसका एक हाथ नहीं। रीटा, मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए बताई ताकि तुम अपने दिल को मजबूत रख सको, क्योंकि कल को जाकर तुमको ये पता लगे कि तुम्हारा अंकल स्मगलर है, क्रिमिनल है, खूनी है, तो शायद तुमसे ये सदमा बर्दाश्त न हो। अरे अंकल एक बहुत बड़े क्रिमिनल, वो मंगू को इंस्पेक्टर की वर्दी पहनाकर अपने स्मगलिंग के बिजनेस में उससे काम लेते हैं। रोमा को भी तुम्हारे अंकल ने ही गायब किया। मैंने उसे डायरी छीनने की कोशिश की लेकिन वो मुझे बेहोश करके डायरी लेकर चला गया कि तुम्हारा अंकल स्मगलर है, क्रिमिनल है, खूनी है। समझ गया तुम्हें क्या करना है? जी। मंगू जी, सेठी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुमने हेडक्वार्टर्स के पुलिस ऑफिसर की तस्वीर अच्छी तरह देख ली? खूब अच्छी तरह। कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन जाना इंस्पेक्टर शर्मा बनकर, वहां जीवन मर्डर केस की फाइल मांगना और रोमा की डायरी, अगर डायरी वहां होगी तो मिल जाएगी, वरना फाइल लेकर आ जाना। बहुत खूब। फाइल सेठी को देना, सेठी से ब्रीफ केस लेकर शर्मा के घर जाना और उसकी बीवी को देना, समझे? जी। इतना बता दीजिए कि मुझे ये नाटक और कब तक करना पड़ेगा? अगर आज का काम ठीक हो गया तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, नहीं तो मुमकिन है एक दो दफा और शर्मा बनना पड़े। अगर आप मामा पिताजी बार बार घड़ी देखते हैं, उनके प्लेट में पूरी डालो वरना। बस बाबा, मेरी पूरियां पूरी, 10 बजे मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है, 9:50 हो चुके हैं, मैं अब चलता हूँ। भूखे पेट क्यों जा रहे हैं? आपको मेरी कसर, अब तो पिताजी खाने पड़ेंगे। अब तो खुश हो? अरे
मेरे गाड़ी में रखो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। जीवन मर्डर केस की फाइल और रोमा की डायरी मुझे दे दो। अभी लाया जी। लीजिए जनाब। शर्मा जी। हाँ। आप इन्हें साथ ले जा रहे हैं? हाँ, मैं इन्हें साथ ले जा रहा हूं फोटोग्राफ कराने के लिए, सेफ्टी के लिए। जी। शाबाश मंगू, चलो जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुलकर्णी, जिंदगी में आज पहली बार लेट हुआ। लेट? आप तो एन वक्त पर आ गए थे जनाब, 10 बजे। मैं आया था 10 बजे, आकर आप जीवन मर्डर केस की फाइल और रोमा की डायरी ले गए थे फोटोग्राफ करवाने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर शर्मा, ये दूसरी बार है कि आप हकीकत से इनकार कर रहे हैं। जी, इस पुलिस स्टेशन का हर आदमी इस बात का गवाह है कि आप ठीक 10 बजे जीवन मर्डर केस की फाइल, रोमा की डायरी लेकर गए हैं। ये सब गलत है। मेरी जीप से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे अस्पताल लेकर गया, वहां से मैं सीधा यहीं आ रहा हूं। डायरी और फाइल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूं। जी, बड़ी खुशी से। चलिए। ये लो, जाओ। आज मोती क्यों भूख रहा है? अरे आप, क्या बात है, कोई चीज भूल गए हैं क्या? नहीं, ये रख लो। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, ये मैं आकर बताऊंगा। देखिए। आप देकर गए हैं? ब्रीफकेस? और मैं देकर गया था? सर, इंस्पेक्टर शर्मा, कौन सा ब्रीफकेस है? बात कुछ नहीं, हमें वो ब्रीफकेस चाहिए। अभी अभी आपको ये देकर गए हैं। शर्मा, 50 रोज की तरह उसके थोड़ी देर बाद केस लेकर आए और फौरन वापस चले गए। इंस्पेक्टर शर्मा, मामला साफ है। 50 पर घर से निकले, 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, फाइल ली, बदमाशों को दी और फौरन रुपया लेकर घर आए। ये सब झूठ है, प्लीज एक्सक्यूज मी सर। ये इंस्पेक्टर शर्मा, यू आर सस्पेंडेड। डिपार्टमेंट इंक्वायरी विल मैं भी कुछ नहीं जानता, सब क्या होगा। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा सोमवार को 10 बजे एक आदमी को लेकर आपके हॉस्पिटल में गए? एग्जैक्टली, ये बात हॉस्पिटल के रिकॉर्ड पर है। उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, शॉक की वजह से बेहोश हो गया था और इंस्पेक्टर शर्मा के जाने के बाद वो आदमी खुद ही चला गया था। अब तो आपको यकीन है? मिस्टर सिंह के पास मंगू नाम का एक शख्स है, तो शर्मा से बिल्कुल मिलती जुलती है।
शर्मा है यार। शर्मा प्लीज कम सून, आई एम एक्चुअली स्पीकिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, इट्स वेरी अर्जेंट। वेरी वेल सर, मैं अभी हाजिर होता हूँ, अभी। कहाँ जा रहे हैं? मेरा फोन था, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। सेठ जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस ला दीजिए। माँ जी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पुलिस भी तलाश में है। सेठ जी, ये किसके जूतों की आवाज है? क्यों? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। यही वो आदमी है जो मेरे घर पर आया था और मेरी लड़की को ले गया। लेकिन ये तो हमारे होटल में काम करता है। ठीक, आपके होटल में काम करता होगा, लेकिन मैं इसके जूतों की आवाज को अच्छी तरह पहचानती हूँ, इसे पुलिस में दे दीजिए। बॉस ये बुढ़िया कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरी लड़की का पता नहीं बताओगे। ओहो, कोई पागल मालूम होती है। घबरा नहीं, बेचारे बेटी की जुदाईगी में पागल हो गई है और तुम्हारी तो आवाज सुनकर कि तुम्हें गलत समझ बैठी, बेचारी अंधी है ना। लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। मिस्टर शेट्टी, क्या आप मुझे जानते हैं? माँ जी नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आप इसी होटल में रहते हैं। शेट्टी, आप मिस्टर कुंदन हैं, सीआईडी इंस्पेक्टर। ओह, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुशी तो मुझे हुई, लेकिन हमारी ये पहली मुलाकात नहीं है। क्या आपके घर आप रोमा की डायरी लेने गए थे? डायरी? कैसी डायरी? क्या आप एक हाथ ही नहीं है? कौन सा हाथ? दाहिना हाथ। लीजिए, असली या नकली, फौरन पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उस लड़की को खत्म कर दो जो वहां बंद है। लड़की? कहां मर गए? वो जो लड़की यहाँ पैदा है, किस कमरे में है? इस कमरे में है। नालायक, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम दोनों बाहर जाकर खड़े हो जा, अगर तुम्हें पुलिस आती हुई नजर आए तो मुझे खबर करना। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
दूर होने ही वाली किसके ऊपर से आई? सुना आपने, आपके पार्टनर मुझे आपके पहलू में देख के जल गए। मैं बिल्कुल मैंने इसे 100 बार कहा है कि कभी कभार दिन पी लिया करो। उसमें वो लड़की लड़की ये नहीं खूबसूरत लड़की वो लड़की अभी अभी तो यहाँ से नजर कहाँ चले रखो इसने अपने जाल फंसा कर उस लड़के भरा दिया। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। गद्दार लड़के, खबरदार आप किसी भी हरकत आपकी जान नहीं सकती। इस तरह से दीजिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मुझे करना। मैं तो ये सब कुछ आप ही के लिए कर रही हूँ। बस ये मुझे खत्म करके आपको भी खत्म कर देंगे और फिर सारा माल लेकर भाग जाएंगे। नहीं 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 तूने से मार डाला है। पुलिस तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी यार। तुम भी सुनते रहने खाने नहीं हो। नहीं, मेरा रिवॉल्वर सोना दोनों है। तुम नकली को नहीं और अगर असली होती तो जानता हूं कि सोना ने जो कुछ कहा है गलत कहा है। हो सकता है कि वो गद्दार हो, लेकिन इसने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। तुम सोना के साथ साथ मुझे भी खत्म कर देना चाहते थे। अब नहीं था अभी और इसी वक्त मेरे साथ करोगे ना? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर अपन खेलने जाएंगे। हाँ Thank you.
मंगो बैठो गाड़ी में। अरे तुम मेरे पिताजी को मंगो बोलते हो, करो तुम। पकड़ मत। क्या बोला? क्या बोला? मर इधर। और समझ में आया कुछ नहीं? तो पहले कुत्ते को गोली मार, हाँ। फिर बच्चे को डांट दिया, हाँ। और अपने इंस्पेक्टर साहब भीगी बिल्ली बने बैठे रहे। रिवाल्वर दो तुम्हारे, दो मेरे, लेकिन खाली है, खोल कर देख सकते हो। खन्ना अब तुम जा सकते हो। गुड बाय। बोटी बाहर नहीं जा सकते। थोड़ा बच्चे का खबरदार, जो इस बच्चे को हाथ लगाया, जो हाथ इस बच्चे की तरफ बढ़े, मैं उन्हें कुचल दूंगा। थैंक यू चेरी। अब कुछ लो हाथ। रेडी, खत्म कर दो इसको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। से नहीं होगा। तुम तो कहते थे कि दो मैन पावर की गाड़ी है। अरे भाई, पावर निकल गई, मैन रह गए। Get
ऊपर जाओ। Get
हमारे साथ किया, हम उसके लिए तुम्हारे बहुत मशहूर हैं। लेकिन जो कुछ मैंने कहा उसके लिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। तुम गुनाह में शामिल, तुम्हारी ही मदद से आज हम इन स्मगलर्स और कातिलों को ग्रोह को कामयाब हुए। हम अदालत से दरख्वास्त करें सजा मिले। आप अपने आप को किसके हवाले करती हैं मैडम? मिस्टर कुंदन अरेस्ट है।